दिल्ली के रानी बाग में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग हुई है। दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। घर के बाहर करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। बम्भिया गैंग ने बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग किए, ये आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी माना जाता है बम्भिया गैंग, और अब जानकारी मिल रही है कि इस गैंग के गुर्गों की ओर से इस तरह से फायरिंग की गई, 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। तो एक बिजनेसमैन को टारगेट किया गया बम्भिया गैंग की ओर से। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ लगातार पसरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर लॉरेंस गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई की है, जिसका पहले से दिल्ली में खौफ है, दहशत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बम्भिया गैंग के सरगना दविंदर बम्भिया की है, जिसके गैंग ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग की है। और जो फायरिंग की घटना हुई है, इस पर और क्या डिटेल मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कहां तक पहुंची है, दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लगातार लाइव हैं। जितेंद्र, इस केस में, बिजनेसमैन के घर के फायरिंग के केस में क्या कुछ जानकारी डिटेल में मिल पाई है पुलिस वालों के जरिए, इन्वेस्टिगेट कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए जो बिजनेसमैन है शारदा निकेतन में रहते हैं रानी बाग में, और कल रात को अचानक से काले कपड़ों में दो बाइक पर सवार लड़के इनके घर पहुंचते हैं और घर के ठीक बाहर 6 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है, और उसके बाद मौके पर एक पर्ची छोड़ी जाती है। ये धमकी भरी पर्ची कौशल चौधरी और पवन शौकीन के नाम से दी गई है। कौशल चौधरी दरअसल बम्भिया गैंग का एक खूंखार गैंगस्टर है, जो कि हरियाणा और इसके अलावा जो NCR का इलाका है वहां पर ऑपरेट करता है, और बम्भिया गैंग की तरफ से करोड़ों की इसमें फिरौती मांगी गई है जान बख्शने की एवज में। तो फिलहाल इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार उन दोनों बाइकर्स को तलाश करने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसपास जितने भी इलाके में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों को ट्रैक करने की फिलहाल कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बम्भिया गैंग की तरफ से दिल्ली के अलग अलग कारोबारियों को अलग अलग इलाकों में इस तरीके की धमकी, पहले फायरिंग और उसके बाद पर्ची छोड़े जाने की मौके पर इस तरीके से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। जी जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में इस तरह से खौफ एक बार फिर से पसर रहा है, और अब बम्भिया गैंग की एंट्री हो गई है, और बताया जा रहा है इस केस में दो आरोपी हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है।